Welcome to your channel Wealth and More. Subscribe to get access to quality content about stock markets, stock levels and more. ये वीडियो में हम बात करते हैं Zomato एक कंपनी के स्टॉक के बारे में. ये कंपनी का स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है. अराउंड 70-80 रुपीज उसका प्राइस था, IPO प्राइस. बट वहाँ से एक स्टॉक अभी 133 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है. तो ये स्टॉक के रीज़न बनाना ये है कि वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि ये स्टॉक आपको 120 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाले स्टॉक में, क्योंकि मुझे लगता है ये 120 का लेवल तोड़ के जो उसका जो लेवल है 100 रुपीज़ के लेवल से भी ये स्टॉक नीचे चला जाएगा. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है हम देखते हैं कि एक 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा है. तो बहुत बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी. एंड उसका ROE ROCE दोनों नेगेटिव. एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ भी वैल्यूएशन का यहाँ पे लाइक कुछ भी सेंस नहीं है यहाँ पे. डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 100 रुपीज़ के नीचे मिल जाएगा. पोजिशनल ट्रेडर हो तो 120 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे. बट जहाँ तक मुझे लगता है ये कंपनी फिर भी अभी जो अपना लेवल है यहाँ से जो भी उसका IPO प्राइस है वहाँ से अराउंड ये कंपनी 40% के अभी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है. जहाँ पे SBI कार्ड जैसी कंपनी है जो एक अच्छे बिजनेस में है वो अभी लाइक अपना जो IPO प्राइस है वहाँ से खाली 20-30% ही ट्रेड कर रही है. बट ये जो कंपनी है यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी लाइक महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है. एग्जांपल दे तो आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कैप है 1,12,000 और इसका 1,07,000. तो कुछ भी इसमें लाइक मुझे इन्वेस्टमेंट में कुछ भी ऐसा वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी लगता नहीं है वाले स्टॉक में. बट डेफिनेटली 120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए. जिस दिन ये 120 का लेवल तोड़ेगा वो 100 नीचे 100 रुपीज़ के डेफिनेटली नीचे चला जाएगा. ओके तो ये शॉर्ट था वीडियो. आज हमने निफ्टी का जो व्यू बनाया था अभी ये वीक में, क्विकली निफ्टी का व्यू भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. तो ये मैंने बोला था कि ये रॉकेट टाइप का कैंडल है, यहाँ से तेज़ी हो सकती है. तो आज उसने 17,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट 17,500 हो सकता है निफ्टी का. तो एक अच्छा बिगिनिंग हुआ है. लाइक कुछ दिनों से ये निफ्टी में काफ़ी गिरावट हो रही थी बट अभी रिकवरी हुआ है और जो प्रीवियस यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस था उसको पार करके निफ्टी ने आज ऊपर क्लोजिंग दिया. तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है. यहाँ पे मुझे 17,500 तो नज़र आता है इमीजिएटली, बट एक दो दिन में नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होके डेफिनेटली 17,500 तो आ ही जाएगा. यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में रैली कुछ नहीं है यहाँ पे, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो भी इंडेक्स वाले स्टॉक है वो डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा. पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.